मैं समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष पूर्व लोहिया वाणी दीप सिंह गुप्ता, आज पूरे देश में, प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्ट सरकार ने जो जिस तरह से पूरे अपने गरीबों के जो जितने हमारी मोटरसाइकिल नहीं है उतने चालान काटा जा रहा है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोहिया वाणी के कार्यकर्ताओं ने आज हर चौराहों पर हम लोग जहाँ जहाँ चौराहे पर मतलब पड़ रहा है उसको हम लोग रजिस्टर कर आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। आगे बढ़ कर फिर अपना मोटरसाइकिल उतार कर तो हम लोग अपना साइकिल बाइक सवार कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग डर गए हैं कि जितने की हमारी मोटरसाइकिल नहीं है उससे ज़्यादा चालान काट दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोहिया वाणी कार्यकर्ता पूरे बनारस के अंदर एक जन आक्रोश कर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन जब तक ये चालान सीमित नहीं होगी, चालान काटिए, उस शासन की मंशा चालान काटिए, कोई दिक्कत नहीं। जो फौजी सिपाही है जिस आधार जो एक्ट के तहत आपको चालान बनता है उसको काटिए, जिससे पूर्व में था उससे सुचारू रूप से काम चलता रहा है, जिससे हमारी गाड़ी 15,000 की है, 27,000 की चालान गाड़ी जा रही है, जिससे हमारी आम मानस गरीब जनता बेकाबू से गरीब स्थिति में बनने की बात है। एक तरीके से देखा जाए तो बाइकों की चालान हो रही है, दूसरे तरीके से ऑटो वाले को जो कि महीने का उतना कमा नहीं पा रहे हैं उनको उतना कहते राशि दिया जा रहा है शुल्क जमा करने के लिए, क्या कहेंगे उनके पीछे? पूरे समाजवादी पार्टी ने यह आंदोलन छेड़ दिया है, आगे हमारे जिस तरह समर्थन मिलता रहेगा हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इसका विरोध जब तक करते रहेंगे जब तक ये प्रशासन और शासन के लोग जो ऊपर बैठे हैं मानेंगे नहीं, हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ऑटो वाले कह रहे हैं कि हम लोगों से जबरदस्ती जो भी कागज हम लोग रोके हैं उसके बाद भी पुलिस वाले कहे थे पकड़ के ले जा रहे हैं, चालान कर रहे हैं। ये प्रदेश सरकार अध्यक्ष सरकार की ये मंशा है, जो अच्छे दिन दिखाए थे उसे गरीब मजदूर जो हमारा ऑटो चालक ठेला वाले खुमचा वाले तमाम इसका चालक जितने हमारी गरीब मानस है उन्होंने 15 लाख का जो वादा किया था उन्हें झुम को ओढ़ दिया। उनको क्या मालूम कि हमारे घर में शनि पड़ रहा है। आज उनका आज पूरे ऑटो वाले से लेके पूरे टेम्पो वाले से लेके पूरे रिक्शा वाले से लेके ठेला वाले से लेके अब तमाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमारे साथ पूरे कदम से कदम मिलाकर धरना प्रदर्शन करने काम कर रहे हैं। एक तरीके से कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था कि हेलमेट लगा के हेलमेट लगना चाहिए, हेलमेट जो कि आप सिटी में जहाँ पर पूरी जनमानस एकदम भीड़ भाड़ के समान हुआ हेलमेट लगा कैसे चलेंगे हम, हेलमेट की हेलमेट लगा के चलना चाहिए क्योंकि उससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हेलमेट जो आउट एरिया में लगाकर जो लंबा चलना करना है उसमें हेलमेट लगा चलेंगे उससे बेहतर रहेगी। अब सिटी में हेलमेट लगा हम लोग विरोध करते हैं।